क्या आप BPO वॉइस प्रोसेस और नॉन वॉइस प्रोसेस में कोई अंतर नहीं जानते? जस्ट चिल, आपका दोस्त आपको सब कुछ बता देगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम BPO वॉइस प्रोसेस और नॉन वॉइस प्रोसेस के बीच में अंतर के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। BPO का इस्तेमाल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और सर्वे के लिए किया जाता है। आसान भाषा में बोलूं तो BPO कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है। BPO का मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। इसका मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है। BPO दो तरीके से कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। पहला है नॉन वॉइस प्रोसेस और दूसरा है वॉइस प्रोसेस। तो मैं अभी आपको नॉन वॉइस प्रोसेस और वॉइस प्रोसेस के बीच के अंतर को समझाऊंगा। तो पहले बात करते हैं नॉन वॉइस प्रोसेस के बारे में। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें वॉइस की प्रोसेसिंग नहीं होती है। नॉन वॉइस प्रोसेस में BPO एम्प्लॉय को कस्टमर के साथ डायरेक्टली बात नहीं करना होता। इसमें कस्टमर सर्विस को चैट या फिर ईमेल के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ईमेल सपोर्ट में कस्टमर्स को सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ईमेल के थ्रू दिए जाते हैं। एक एम्प्लॉय को प्रॉब्लम के अनुसार सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक ईमेल का ड्राफ्ट सेव करके उस ईमेल को कस्टमर तक भेजना होता है। चैट सपोर्ट में आपको कस्टमर के साथ डायरेक्टली चैट में बात करना होता है और उनके सारे प्रॉब्लम्स को वहीं पे सॉल्व करना होता है। एक चैट सपोर्ट ईमेल सपोर्ट से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपको कस्टमर को तुरंत रिप्लाई देना होता है। BPO वॉइस प्रोसेस में आपको कस्टमर के साथ डायरेक्टली कॉल के थ्रू बात करना होता है और कॉल में ही आपको सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस उन्हें देने होते हैं। BPO वॉइस प्रोसेस भी दो तरह के होते हैं, एक है इनबाउंड वॉइस प्रोसेस और दूसरा है आउटबाउंड वॉइस प्रोसेस। इनबाउंड वॉइस प्रोसेस यानी कि आपको कस्टमर्स के सारे कॉल्स आते हैं जिनमें वो अपने प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं और आपको उन्हें सारे सॉल्यूशंस बताने होते हैं और उनकी मदद करनी होती है। आउटबाउंड वॉइस प्रोसेस में आपको खुद कस्टमर्स को कॉल करना होता है और उन्हें सारे सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप BPO वॉइस प्रोसेस में काम करना चाहते हैं तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन स्किल और आपका स्पीकिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आप BPO नॉन वॉइस प्रोसेस में काम करना चाहते हैं तो आपका राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। आप नॉन वॉइस प्रोसेस और वॉइस प्रोसेस BPO की जॉब करके आसानी से हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। अक्सर इंटरव्यूज में भी BPO वॉइस प्रोसेस और BPO नॉन वॉइस प्रोसेस के बीच के अंतर को पूछा जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इस बात को अच्छे से समझ लें और सारे पॉइंट्स के बारे में समझ के याद रखें। अगर आप अपने स्किल्स को शार्प करना चाहते हैं या फिर कुछ नए स्किल्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को जाएं और वहां पे हमारे करियर TV सेक्शन का उपयोग करें। आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपने स्किल्स को सुधारने, नए नौकरी पाने और इन जैसे विभिन्न प्रकार के 1000 से भी ऊपर क्यूरेटेड वीडियोस वहां पे मिल सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें और हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर आपके मन में ऐसा कोई विषय है जिस पे आपको लगता है कि हमें बात करनी चाहिए तो हमें उसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि हमें ऐसी वीडियोस बनाना पसंद है जिनसे आपकी मदद होती है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें और आप हमारी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम अभी आपसे लेते हैं अलविदा और मिलते हैं अगले वीडियो में।